कभी कभी हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी प्रगति अब रुक सी गई है। हम काम तो उतना ही कर रहे हैं जितना 4 साल पहले करते थे, 6 साल पहले करते थे, या कहो कि हम पहले से अधिक काम कर रहे हैं, परंतु अब धन आने के मार्ग संकुचित होते जा रहे हैं, बाधित होते जा रहे हैं, धन नहीं आ रहा है और हम धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं। जब पैसों की कमी सताने लगे, गरीबी और कंगाली बदहाली में बदलती जाए आपकी जिंदगी, जब धन बिल्कुल ना हो आपके पास और कहीं से धन आने के मार्ग खुलते नजर ही ना आए आपको, तब क्या करें? देखो, बहुत लोगों से मिलोगे ना तो वो कहेंगे आपके घर का वास्तु सही नहीं है, वास्तु आप दिखाओ। और सच में हमारे घर का वास्तु या हमारे द्वारा लाई गई छोटी छोटी चीजें हम लोग जहां से समझ में आए वहां रख देते हैं। कोई चीज लाया यहाँ रख दिया, यहाँ से उठाया वहां रख दिया, और हमारी ये जो छोटी छोटी सी भूल होती है, छोटी छोटी सी गलतियां होती है, ये हमारी गरीबी के, हमारे दुख के, हमारे तकलीफ के कारक बन जाते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता कि घर में कुछ भी फेरबदल नहीं हुआ, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, ना कोई तोड़फोड़ किया हमने, ना कोई नई सीढ़ी का निर्माण किया, ना ही कोई नया घर बनाया, अचानक से आय कैसे कम होने लगी। ये कम होने लगी आय आपके द्वारा रखी गई चीजों के जगह के बदलने से। अब घर है तो कभी कोई चीज वहां रखा तो कभी कोई वहां रखा, बच्चे ही कुछ चीजों को उठाकर कहीं रख देते हैं और बहुत समय तक रखा रह जाता है। तो चलिए उन गलतियों को सुधारते हैं। प्रमुख गलती इधर है, आप सुधार उधर रहे हैं, बड़े बड़े वास्तु शास्त्री को बुला रहे हैं घर में, बड़े बड़े उपाय कर रहे हैं, धन प्राप्ति के टोटके कर रहे हैं, धन प्राप्ति के उपाय कर रहे हैं, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वास्तव में हो क्या रहा है। और आपको काम तो इधर करना है, काम आपको अपने साइड करना है, काम आप उधर कर रहे हैं। चलिए आपको छोटे छोटे से बात बताती हूँ जिसे सुनते ही आपको भी समझ में आ जाएगा कि गलती आपके घर में कहाँ हो रही है, कहाँ दिक्कतें हैं जो धन आने के मार्ग बाधित हो रहे हैं, क्यों आप गरीब होते जा रहे हैं, क्यों बार बार आपको धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आज कुछ उपाय बता रही हूँ, आज कुछ चीजें बता रही हूँ, ध्यान दीजिए, उसे सुधारिए, हो जाएंगे मालामाल, बन जाएंगे करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें, यही वो जागृत मंत्र है जो जीवन को जागृत कर देता है, यही वो मंत्र है जो दुख को आप तक पहुंचने नहीं देता, यही वो मंत्र है जो सुख शांति और समृद्धि से आपके जीवन को भर देता है। चमत्कारिक मंत्र है, सोते जागते चलते फिरते खाते पीते, खाना बनाते वक्त, स्कूल जाते वक्त, स्कूल से बच्चों को लाते वक्त, जिह्वा पर ओम नमः शिवाय रखा करो, कोई दुख नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं सताएगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल दूंगी, ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कारिक प्रयोग बताती हूँ। प्रथम झाड़ू की बात करते हैं। आप अपने घर में हमेशा झाड़ू को खड़ा करके रखें, झाड़ू सोया आपका नसीब सो जाएगा, वो साक्षात लक्ष्मी का सूचक होता है। अपने घर के दिशा में झाड़ू को ऐसा रखें, स्वच्छ रखें, सुरक्षित रखें, वहां भीगा ना हो, गंदगी ना हो, मकड़ी का जाल ना हो जहां झाड़ू रखें, झाड़ू धुली हुई साफ हो, परंतु ऐसी जगह रखें जहां नए लोग जब आपके घर में प्रवेश करते हैं, कोई नया मेहमान आता है, तो सर्वप्रथम उसकी नजर झाड़ू पर पड़े। आप ऐसा करके देखिए, जो भी नकारात्मक चीजें नए लोगों के साथ आती है जिसकी वजह से धन आने के मार्ग बंद हो जाते हैं, वह अचानक से सुधर जाएगा। यह एक छोटी सी रेमेडी है कि झाड़ू आप ऐसी जगह रखते हैं जहां से आते जाते लोगों को झाड़ू नजर आती है, हैरान कर देने वाले चमत्कारिक आपको धन प्राप्ति के लाभ नजर आएंगे। दूसरी बात, शयन कक्ष जो सोने वाला कमरा होता है उसमें पावदान ना रखें। दिन भर पावदान रहे कोई बात नहीं, पावदान एक तो गंदा ना रहे, उस पावदान को हमेशा धोकर उसमें से जो डस्ट है उसको निकाल ले, उसको झाड़ते वक्त भी बहुत उल्टा करके झाड़े ताकि उसका डस्ट निकल जाए, और वो शयन कक्ष में ना रहे, दिन भर रहे चलेगा, रात को सोते वक्त पावदान को पैरों से बाहर कर दे और रात भर सोए।
दिन भर घर में कोई ना कोई खुशबूदार फूल शयन कक्ष में जरूर रखिए, क्योंकि वहां का स्वामी शुक्र होता है और आपको शुक्र ही है जो लग्जरी लाइफ देता है। घर, गाड़ी, बंगला, दौलत सब शुक्र है। सुख जो है वो शुक्र है, तो आप सोने वाले रूम में खुशबूदार बेली के फूल, कोई भी फूल रख सकते हैं, परंतु रात्रि के समय ये फूल बाहर। रात्रि के समय आपको अपने बेडरूम में उन फूलों को नहीं रखना है, आप खाने वाले टेबल पर रख दीजिए, रात को बाहर कर दीजिए। तीसरी बात ध्यान से सुनिए, आपके बेडरूम में ये जो शुक्र जहाँ से धन संचालित होता है, जहाँ से ऊर्जा होती है, अपॉर्चुनिटी का जो कमरा होता है, यहाँ कोई भी कैंची, चाकू, धारदार तलवार, कील, ब्लेड आदि ना रखें। इन चीजों को वहां रखने मात्र से आपके शुक्र को बाधा होने लगती है, बाधित हो जाता है आपका शुक्र, हस्बैंड वाइफ झगड़ा करने लगते हैं, आपके घर से लक्ष्मी दूर जाने लगती है, तो शयन कक्ष से इन चीजों को बाहर करें। आपको अपने घर के डस्टबिन पर भी ध्यान देना है। डस्टबिन का जो बाहरी हिस्सा होता है वो गंदा ना हो, उस पर जूठा ना चिपका हुआ हो, वो भीगा हुआ ना हो, उस पर धूल ना लगी हुई हो। यो तो ये गंदगी की चीजें हैं, लोग पैरों से डस्टबिन को खोलते हैं, किनारे करते हैं तो पैर से करते हैं, छूते नहीं है। कुछ लोग डस्टबिन को बहुत अधिक गंदा मानते हैं। डस्टबिन भी लक्ष्मी का सूचक होता है, तो डस्टबिन हर रोज धुले, उसमें हद से ज्यादा कूड़ा ना हो, डस्टबिन की कैपेसिटी से ज्यादा कूड़े ना हो, उसका ढक्कन खुला हुआ हो और बहुत सारा कूड़ा उसमें रखा हुआ हो, ऐसा घर हमेशा गरीबी की ओर जाता जाएगा। उसमें उतना ही कूड़ा हो और 24 घंटे के अंदर उन कूड़ों को फेंक कर डस्टबिन को धोकर रखें। ये छोटी सी बात आपको धन आने के मार्ग में बाधा कर देती है। कहते हैं ना, आपने बड़े अच्छे से बिजनेस खोला, कैपिटल इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, बिजनेस नहीं चल रही है, ये जो नेगेटिविटी है इतनी ज्यादा आपने भर रखी है अपने घर में कि आपकी पॉजिटिविटी भी आपको साथ नहीं दे पा रही है, इस बात का ध्यान रखें। एक और चीज, आपके किचन के सिंक में बहुत ज्यादा देर तक जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। उसमें जूठे बर्तन थोड़ी देर रह सकते हैं, परंतु जैसे ही मौका मिले उसे धोइए और साथ में सिंक को भी धोइए। बड़े छोटे छोटे से बातें बता रही हूँ, परंतु बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि उपाय कर रहे हैं तो काम नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है। आप अपने घर को चेक कीजिए कि ये सारी गलतियां कहीं आपके घर में तो नहीं हो रही। आपको बहुत ज्यादा देर तक जूठे बर्तन सिंक में नहीं रखना है, उसे धोकर हटाइए, और सिंक भी गंदा और जूठा नहीं रखना है, उसे भी साफ कीजिए। आपके घर का घड़ी कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए, समय खराब हो जाता है। कितनी भी काबिलियत हो आप में, कमा नहीं पाएंगे आप, तो घड़ी को इमिडिएटली हटाकर फेंकिए, नया घड़ी लेकर आइए। घड़ी की बहुत कीमत नहीं होती है, तो मोह में ना रहें कि घड़ी बहुत नई है, अब अभी अच्छी अवस्था है, बाद में इसे कभी बनवा लेंगे। खराब घड़ी जो होता है ना, वो खराब राहु होता है, इतना दूषित कर देगा आपके शुक्र को, आपके गुरु को, कि फिर आप कुछ नहीं कमा पाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिए। और चाकू या कैंची ऐसे ना रखा हुआ हो घर में कि उसके नुकीले भाग किसी भी मनुष्य की ओर देख रहा हो, झांक रहा हो। हमेशा ऐसे ऐसा रखिए कि इसका नुकीला भाग अंदर की ओर हो, यह भी लक्ष्मी आने के मार्ग में बाधक होती है। घर के मेन गेट पर हमेशा दोनों तरफ बाईं और दाहिने तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाए, कभी सिंदूर से, कभी रोली में गंगा जल मिलाकर, कभी अरवा चावल, हल्दी और केसर को गंगा जल से पेस्ट बनाकर। ऐसा करने से आपका घर पॉजिटिविटी को खींचता है अपनी ओर, धनवान रहेंगे आप। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए और देखिए कैसे धन आने के मार्ग खुलते हैं, बन जाएंगे अमीर, हो जाएंगे करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद।